नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मलको अपने किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में पनीर टिक्का रेडी करेंगे, तो चलिए टिक्का बनाते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें रोस्टेड बेसन चाहिए, तो हम पहले बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये 4 चम्मच बेसन है और इसे रोस्ट करने के लिए हम फ्लेम को लो रखेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से फ्लेवर आने लगे हम गैस को ऑफ करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके लिए हम फ्रेश रेडी करेंगे, तो उसके लिए 4-5 के लिए हम मिक्सर की जरूरत है। 4 कलियां हम लहसुन की ऐड कर लेते हैं और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे। इन सबको ग्राइंड करके पेस्ट रेडी कर देते हैं। अब इन सबको मिक्स करने के लिए एक बड़ा बाउल ले लेते हैं और उसमें 3 बड़े चम्मच दही के ऐड करेंगे। दही इसके लिए हम फ्रेश भी लेंगे और थिक भी, और 4 चम्मच इसमें हम रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करेंगे और इसमें 2 चुटकी अजवाइन भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। हमने जो लहसुन अदरक और हरे धनिया का पेस्ट रेडी किया है उसका भी 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और अब 1 चम्मच सरसों का तेल डालते हुए इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल इसमें हम कच्चा ऐड नहीं करेंगे, उसे गर्म करके ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें और 1 चम्मच देगी मिर्च। मार्केट वाले इसमें फूड कलर ऐड करते हैं लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती। इसे हम इसी तरह से रेडी करेंगे क्योंकि इसे हम घर पर बना रहे हैं, इसलिए हेल्दी बनाएंगे। डेढ़ सौ ग्राम पनीर के लिए हम 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर ले लेते हैं और अब इन सबको हम कट कर लेंगे। तो पहले पनीर को कट कर लेते हैं। ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके पीस को हम इस साइज में कट करेंगे। अब इसकी फ्लेक्स को हम अलग कर लेते हैं। वेजेस का साइज पनीर के टुकड़े से छोटा होना चाहिए। अब वेजेस को इसमें ऐड कर लेते हैं। मैरिनेशन की कंसिस्टेंसी को आप बिल्कुल सही रखें जिससे वेजेस पर उसकी पकड़ अच्छे से आए और कोटिंग प्रॉपर हो जाए। अब इसमें हम पनीर ऐड करें और पनीर पर भी इसकी कोटिंग अच्छे से कर लें। इस मैरिनेशन को हम कवर करके रेस्ट करने के लिए रखें। 1/2 घंटा हो गया इसे मैरिनेट हुए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो गए। फाइनली इन्हें हम वुडन स्क्वेयर्स पर एक एक करके लगा लेते हैं। तो बेस पर हम शिमला मिर्च लगाएंगे और फिर पनीर। ये स्टिक्स मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं
आप अपने पैन के साइज से स्टिक्स को खरीद सकते हैं, और अगर घर पर स्टिक्स नहीं है तो आप उसकी जगह पर टूथपिक स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 पीस पनीर के लगाए हैं और बाकी वेजेस। तो चलिए इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए एडजस्ट करेंगे जिससे पकाते समय ये खुले नहीं। तो एक सब्जी का टुकड़ा इसमें और लगा लेते हैं और हमारी पनीर टिक्के की एक स्टिक रेडी हो। तो इसी तरह से हम बाकी स्टिक्स को भी रेडी कर लेते हैं। ये इसका बेस है और ये क्लोजिंग है, और इसके टॉप एंड को हम थोड़ा सा खाली रखेंगे। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ग्रिल पैन को ग्रीस कर लेते हैं। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल को पहले हमने गर्म कर लिया और फिर ठंडा, जिससे ऑयल की पंजन की स्मेल निकल जाएगी। आप अपनी पसंद के किसी और ऑयल में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके स्टिक्स को इसमें ऐड कर लेते हैं। और इन पर थोड़ा सा देसी घी लगा देते हैं। घी की जगह आप इस पर बटर भी लगा सकते हैं। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे और 3-4 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब हम इसकी दूसरी साइड को भी रोस्ट कर लेंगे, और इसी तरह से इसे चारों तरफ से रोस्ट करते हैं। हम इन्हें प्लेट पर निकालते हैं। ये सभी साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है, तो अब इन्हें हम प्लेट पर निकालते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और उसे शेयर भी करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी और नए आइडियाज़।